नाम जोस साल्वाडोर अल्वारेंगा, जन्म 1975, नेशनलिटी साल्वाडोर, पेशा फिशरमैन, दिन 17 नवंबर 2012, जगह मेक्सिको का एक गांव। जो साल्वाडोर अल्वारेंगा और उसके साथ ही कोर्डोबा पास के ही समुद्र में मछली पकड़ने के लिए नाव के साथ गहरे समुद्र में उतरता है और दोनों साथ मिलकर मछली पकड़ना शुरू करता है। कुछ ही घंटों में दोनों मिलकर लगभग 500 केजी तक मछली पकड़ लेते हैं और ऐसे ही मछली पकड़ने का सिलसिला जारी रहता है। मगर तभी अचानक से एक बहुत बड़ा समुद्री तूफान दस्तक देता है और देखते ही देखते दोनों तूफान में फंस जाते हैं। ये समुद्री तूफान लगातार 5 दिनों तक चलती है। इस तेज तूफान में साल्वाडोर और उसके साथ ही अपने आप को बचाने में कामयाब होता है, लेकिन जब तूफान शांत होती है तब तक ये दोनों समुद्र के किनारे से काफी दूर जा चुके होते हैं। इन्हें दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा होता है। दूसरी तरफ तूफान के तेज होने की वजह से नाव का मोटर भी खराब हो जाता है और साथ ही साल्वाडोर के पास मौजूद रेडियो में पानी लग जाने से वो भी खराब हो जाता है, जिसके कारण इन दोनों के पास अब अपनी जान बचाने के लिए ना तो रेडियो होता है और ना ही नाव चलाने के लिए कोई पतवार। ऐसे गंभीर सिचुएशन में दोनों नाव के वजन को कम करने के लिए पकड़े हुए लगभग 500 केजी मछली को समुद्र में फेंक देती है। अब ना तो इनके पास खाने का कोई सामान होता है और ना ही संपर्क करने का कोई जरिया, बस खुले आसमान के नीचे इनकी नाव समुद्र में तेजी से आगे की ओर बढ़ रही होती है। कुछ समय बीतने के बाद जब इन दोनों को भूख लगती है तो ये दोनों अपने हाथों से मछली और कछुए को पकड़कर उसे कच्चा ही खाना शुरू करते हैं, क्योंकि इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है। वहीं जब इनको प्यास लगती तो ये बारिश का जमा किया हुआ पानी पी लेते। कई दफा तो ऐसा भी हुआ कि इनके पास बारिश का जमा किया हुआ पानी खत्म हो जाता, तो ऐसे सिचुएशन में ये कछुए का खून या अपने पेशाब को पीकर किसी तरीके से सरवाइव करते। ऐसे ही महीने दो महीने बीतते चले जा रहे थे। लगभग 4 महीने बीत जाने के बाद एक दिन अचानक से साल्वाडोर के साथ ही कोर्डोबा ने मछली और कछुए के कच्चे मांस को खाने से मना कर देता है। खाने का कोई दूसरा ऑप्शन न होने के कारण कुछ ही दिनों बाद कोर्डोबा की भूख लगने से मौत हो जाती है। अपने साथी के मौत के बाद साल्वाडोर काफी टूट जाता है और वो आत्महत्या करने की सोचता है, लेकिन वो अपने आप को ऐसा करने से किसी तरह रोक लेता है। जैसे जैसे समय बीत रही होती है वैसे वैसे साल्वाडोर की उम्मीदें भी टूटने लगती है। साल्वाडोर की उम्मीदें तब और भी टूट जाती है जब वे अपने नाव के पास से बड़े जहाजों को गुजरते हुए देखता है। बड़े जहाजों की तरफ से कोई भी इसके मदद के लिए नहीं आता है। साल्वाडोर बस अपनी नजरों को आसमान की तरफ करके कुछ गीतों को गाते हुए अपने समय को काटता हुआ आगे बढ़ रहा होता है और खुद को ईश्वर के हवाले छोड़ देता है। 30 जनवरी 2014, पूरे 438 दिनों के बाद लगभग 10,000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करने के बाद साल्वाडोर को कुछ दूरी पर एक पहाड़ दिखाई देती है। ये पहाड़ मार्शल आइलैंड ग्रुप का एक छोटा सा आइलैंड होता है। साल्वाडोर पहाड़ को देखते ही फौरन नाव से कूदकर तैरते हुए किनारे पर पहुंचता है और 438 दिनों के बाद अपना पहला कदम जमीन पर रखता है। जमीन पे पैर रखते ही वो गिरकर बेहोश हो जाता है। आसपास मौजूद लोकल लोगों की नजरें जब साल्वाडोर पे पड़ती है तो वो उसकी तरफ दौड़े चली आती है, फिर उसे उठाकर पास के ही एक घर में ले आते हैं। साल्वाडोर की टखना पूरी तरीके से सूज गई होती है, ब्लड प्रेशर भी काफी लो होता है और सर के बाल काफी लंबे हो चुके होते हैं। कुछ समय के बाद ये खबर वहाँ के लोकल ऑफिसर्स के पास पहुँचती है तो कुछ ऑफिसर्स उसे देखने आते हैं। साल्वाडोर को होश में लाकर उससे पूछताछ करना शुरू करते हैं। पूछताछ के दौरान साल्वाडोर अपनी दर्द भरी 438 दिनों की दास्तान सुनाता है, जिसे सुनकर वहाँ आसपास मौजूद लोग शॉक्ड हो जाते हैं। और इसी तरह 438 दिनों तक समुद्र में जिंदा रहने के बाद जब वो अपने फैमिली से मिलता है तो उसके फैमिली वाले भी शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि उसके फैमिली वाले उसे डेड मान चुके थे। और फिर देखते ही देखते साल्वाडोर की चर्चा पूरे विश्व भर में होने लगती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हिम्मत न हारने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाएं।